नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रहों के डिग्री के बारे में अथवा वो क्या फल देते हैं या कैसे फल देते हैं। अक्सर हम कुंडली देखते हैं, जल्दी जल्दी पूरी कॉम्बिनेशन सेट करके जो भी आता है दिमाग में, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सामने वाले को प्रोटेक्शन दे देते हैं, लेकिन हम ग्रहों की डिग्री पर निगाह मारना भूल जाते हैं, यानी कि उसको देखना भूल जाते हैं। सपोज करो यदि शनि पूरी तरह से कोई एक्सीडेंट देने के लिए तैयार है, सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेडी है उसको देने के लिए, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि यदि हम डिग्री में देखें तो 24 से 30 के बीच में उसकी डिग्री पड़ी हुई है शनि की, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाता। अब इन डिग्रियों के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। यदि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वो अपना 25% रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि शनि की जो डिग्री है वो 0 से 6 डिग्री है और एक्सीडेंट बता रहा है, तो एक्सीडेंट होगा लेकिन बहुत कम, जैसे बहुत कम मामूली से चोट आ सकती है उसको। यदि ग्रह 6 से 12 डिग्री है तो वो 50% रिजल्ट देने के काबिल है। यदि ग्रह 12 से 18 के बीच में उसकी डिग्री है तो वो अपना 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार है, यानी कि कोई भी इवेंट हो, शादी मैरिज वगैरह कुछ भी एक्स वाई डेट, तो वो 100% वो इवेंट देगा। 18 से 24 किसी ग्रह की डिग्री है तो वो कह सकते हैं ग्रह वीक हो गया है, व्रत हो गया है या कमजोर हो गया है। 24 से 30 किसी ग्रह की डिग्री है तो वो डेड कैटेगरी में आ जाता है या फिर लो रिजल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, कह सकते हैं कि अपना रिजल्ट कभी नहीं देता है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, 0 से 6 डिग्री 25% देता है, यानी कि 25% ही वो अपना रिजल्ट देगा। 6 से 12 50% रिजल्ट देगा, 12 से 18 100% रिजल्ट देगा, 18 से 24 जो ग्रह है वो पीक हो जाता है, 24 से 30 डिग्री ग्रह कोई रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहता है, डेड कैटेगरी में रखते हैं उसको, वो अपना रिजल्ट करने नहीं देता। इस तरह से हम जान सकते हैं ग्रहों की डिग्री के बारे में अथवा कैसे फल देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई सुझाव देने हैं या कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो को जानने के देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।